बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट वीडियो देने जा रहा हूँ, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलरेडी, बेस्ट सेटिंग कौन सी है फोन मास्टर की। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लेटेस्ट अपडेट आई है फोन मास्टर की, उसके बाद फोन मास्टर की जो बेस्ट सेटिंग आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली फोन मास्टर की जो अपडेट है वो तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले आई थी, तो उसके बाद जो कुछ चेंजेस कर दिए। अब मैं अगर फोन मास्टर को ओपन कर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफी चीजें, आइकन वगैरह, इसकी लेआउट वगैरह डिफरेंट देखने को मिलती है। पहले की नस्बत यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दी गई हैं। इन चेंजेस की वजह से जो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो इसका चेंज हो गया है। जो लेआउट है उसकी थोड़ी सी मॉडर्न बना दी गई है, और डिफरेंट टूल्स हैं वो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करके दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऐप क्लीनर्स, फाइल्स मैनेजमेंट, टारगेटेड क्लीनर, ये सारी कुछ चीजें आपको जो थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इनकी बेस्ट सेटिंग्स कौन सी हो सकती हैं। आपको ये मेन नीचे वाले टैब दिखा देता हूँ मैं, ये टूल बॉक्स है। उसके अलावा ये डिस्कवर है, जहाँ पे इनके सारे एड्स वगैरह शो होते हैं। सेटिंग वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आपको डिफरेंट इनकी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम जंक फाइल्स के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आप जंक फाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। अगर मैं क्लीन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर अलाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर ये कहता है कि आप उसको यूजेज की एक्सेस दें। तो अब मैं यूजेज की एक्सेस इसको अगर दे देता हूँ, तो ये फाइंड करेगा आपके फ़ोन के अंदर से जंक को, और वहाँ फिर से फिर इसको क्लीन कर देगा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत ज़्यादा अनरिलायबल है। आप जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा लाजमी इसको देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उसको डिलीट कर रहा है। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि लोगों का व्हाट्सएप का डाटा, कोई पबजी खेल रहे हैं, उसकी जो प्रोग्रेस हुई भी थी वो सारी डिलीट हो जाती है। तो आपने ये बात हमेशा माइंड में रखनी है। यहाँ पे हम 3 डॉट्स जो है उनको क्लिक करके इग्नोर लिस्ट में चले जाते हैं, और यहाँ पे हम उन ऐप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जब ये आप क्लीन अप करें तो उनको जो है वो क्लीन ना करें। तो उसमें कौन सी ऐप हो सकती है? सबसे पहले तो आपकी इसमें व्हाट्सएप आ जाएगी, और यहाँ से हम करें तो यहाँ पे आपके गूगल फोटोज को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके अलावा जो गेम, जो और अदर ऐप जो कि आप चाहते हैं कि सिर्फ ऐप का डेटा डिलीट ना हो, उसको यहाँ से आपने मार्क कर देना है, फिर वो यहाँ पे क्लीनिंग लिस्ट में नहीं आएगा और आपका जो डेटा है वहाँ से डिलीट नहीं होगा। ये हमारा हो गया जंक क्लीन वाला। अब फोन बूस्ट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पे चल रही हैं। तो ये कहता है कि हम उनको स्टॉप करें, तो हमने अभी क्योंकि वीडियो चलाई हुई था, हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। यहाँ से मैं इग्नोर लिस्ट में दोबारा चला जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड में ऐप चल रही हैं, अगर आप इनको यहाँ से जो है वो अनटेक कर देंगे, तो वहाँ से वो जब बूस्ट करेंगे तो वो भी बैकग्राउंड से ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप किसी ऐप को बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं, इग्नोर लिस्ट में आके यहाँ से आप उसको उसमें रख सकते हैं, फिर उसके बाद वो डिलीट नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है फ़ोन कूलर का। तो फ़ोन कूलर में भी यही है कि वो ऐप्स को क्लोज करता है, की वजह से जो है आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, जो चीज़ें चल रही होती हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। कह रहा है कि GPS और सेलुलर जो है उनको दोनों को बंद कर दें। तो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, फॉर एग्जांपल, हम बंद कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को अनमार्क कर देते हैं। मैंने कूल डाउन के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो हमारे पास जो दोनों चीज़ें हैं वो बंद हो गई हैं। अब क्योंकि हमारा हॉटस्पॉट भी चल रहा है, तो हम हॉटस्पॉट को भी जाके बंद कर देते हैं और इस कूल डाउन है उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कूल डाउन भी करवा सकते हैं। अगर पावर सेविंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये ऐप्स वगैरह जो है वो ड्रेनिंग बैटरी जो शो करवा देता है, आप उनको क्लोज करके अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं, और यहाँ से आप वही इग्नोर लिस्ट में जाके उन ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि क्लोज ना हो। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है उसकी तरफ जाते हैं, जो कि है एंटीवायरस। तो उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन देखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये एंटीवायरस ने फलानी चीज़ उठा ली है, ये कर लिया, वो कर लिया। तो बेसिकली एंटीवायरस जो है वो इटसेल्फ कोई काम नहीं करता मेरे ख्याल से। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि ये कह रहा है, सजेशन दे रहा है कि ये चीज़ करें, इग्नोर ऐप, बूस्ट, ये वो सारा कुछ। तो ये बेसिकली इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। तो क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, अगर आपने एंटीवायरस रखना है तो कोई प्ले स्टोर से रिप्यूटेबल एंटीवायरस या पेड एंटीवायरस इंस्टॉल करें, ताकि आपके फ़ोन की जो है वो सही तरीके से प्रोटेक्शन हो। आगे स्मार्ट क्लीनअप हमारे पास आ गया है, अगर हम इसको इनेबल करते हैं, कह रहा है कि शेड्यूल क्लीनअप हम नहीं करना चाहते, तो हम इसको जो है वो कैंसल डिसेबल कर देते हैं। नीचे प्रमोशन है, इनकी ऐप्स की प्रमोशन या जो कि ऐड वगैरह ये लगा रहे होते हैं। स्टोरेज क्लीन है, डीप क्लीन वाली है। अभी डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन, अल्ट्रा बूस्ट आ गया, ऐप बूस्टर आ गया। यहाँ पे आप ऐप बूस्ट को यानी कि उसको ऐप को बेस्ट सेटिंग में चला सकते हैं। नीचे आप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को जो है क्लीन अप कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट
कर सकते हैं, ऐप डाटा को क्लीन अप कर सकते हैं, लार्ज फाइल को क्लीन कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये शो करेगा आपको जो जो लार्ज फाइल होंगी। तो अभी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो उसको हम जो है बैक कर देते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर में आप जाके डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, री इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑटो स्टार्ट होने से उनको रोक सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं नोटिफिकेशन मैनेजमेंट में जाके आप नोटिफिकेशन ऐप्स बंद कर सकते हैं। नीचे ऐप लॉक आपके पास आ जाता है, एक साइड आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं। मैसेज सिक्योरिटी आ जाती है, अब ये मुझे पता नहीं कैसे काम करता है क्योंकि जो मैसेज सिक्योरिटी है वो तो अब सारे। लास्ट में हमारे पास आ जाता है पेमेंट सिक्योरिटी। तो पेमेंट सिक्योरिटी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पुरानी है तो उसमें उनको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल पर मौजूद आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट चार्ज है, अल्ट्रा पावर सेविंग और बैटरी हेल्थ है जिन्होंने बेसिकली बाद में ऐड किया है। ये जो फीचर जैसे आईफोन में होता है जो है फीचर ऐड किया, इसके बारे में सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ। अब दूसरा हमारे पास टूल बाग वाला से आ जाता है सेक्शन। तो यहाँ पे फाइल मूवर आपको मिल जाता है, गेम मोड मिल जाता है, फ्रीजर मिल जाता है, स्पीड प्रोटेक्शन मिल जाता है, हैरासमेंट फिल्टर, स्मार्ट चार्ज, ऐप मैनेजमेंट, पेमेंट सिक्योरिटी। ये वही चीजें कुछ रिपीट हो रही है, कुछ नई चीजें, और बेसिकली ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे जो सेक्शन है मी वाला। यहाँ पे मोर टूल्स है जिनमें इनकी और एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अपग्रेड है तो अपग्रेड में पुराना वर्जन है तो उसको लेटेस्ट जो वर्जन है उसके ऊपर अपडेट कर देगा। अब हम चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे एप्स इंस्टॉल सिक्योरिटी स्कैनर्स को माफ कर देते हैं कि जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो स्कैन करता है, एंटीवायरस है वो आपके स्क्रीन पे पूरा आ जाता है। विजिट एंड नोटिफिकेशन बार जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो ये जो है आप देख सकते हैं इनको आप जो यहाँ से टर्न ऑफ कर देंगे तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे डाटा यूजर नोटिफिकेशन बार आ जाता है, ऐप क्लीन अप रिमाइंडर आ जाता है। यहाँ से जो भी चीज ऑन हो आप उसमें लाजमी ऑफ करना है। यहाँ से प्रोटेक्टेड ऐप्स आ जाते हैं, जो ऐप्स जो है क्लीन अप के दरमियान जो है वो ख़त्म, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि नई ऐड की गई हैं फोन मास्टर के नए वर्जन के साथ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आ रही है बहुत ज़्यादा लोगों को, वो ये आ रही है कि अनलेस के वो अपडेट नहीं करते, अगर उन्होंने अपडेट कर दिया है नए वर्जन के ऊपर और वो सारी नोटिफिकेशन भी ऑफ कर देते हैं तो फिर भी उनको यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन का बार बार जो है वो ऑप्शन आ जाता है और उसको किसी तरीके से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। तो उसको ख़त्म करने का एक आसान तरीका है कि वैसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई ऐसी जो ख़ास अपडेट नहीं आई जिससे आपको जो है वो इतना ख़ास ऐसा कोई फ़ायदा हो, लेकिन अगर आपने फिर भी अपडेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उस नोटिफिकेशन को आप लेटेस्ट अपडेट के साथ जो रिमूव नहीं कर सकते। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप फोन मास्टर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करें और यहाँ पर आप ऐप इन्फो के अंदर आ जाएँ, तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, अनइंस्टॉल अपडेट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका फोन मास्टर जो है वो पुराने वर्जन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जिसमें वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो कि फोन मास्टर की नई लेटेस्ट अपडेट आई थी और उसमें जो सेटिंग आप कर सकते हैं, जिन सेटिंग की मदद से आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं फोन मास्टर को, तो मैंने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। फोन मास्टर के हवाले से मेरी एक पूरी सीरीज है, एक पूरी प्ले लिस्ट है, उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मजीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।